नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं विकास सिंह द लक्ष्य अकेडमी अररिया के तरफ से आप सभी का अपने चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोग आज स्पेशली अपने बिहार के बच्चों के लिए बात करने जा रहे हैं, मतलब बिहार के जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए आज हमारा प्रयास है, हमारी टीम के तरफ से प्रयास है द लक्ष्य अकेडमी अररिया के तरफ से, कि हम लोग भी अपने कुछ हिंदी माध्यम वर्गीय छात्रों के लिए जितना हो सके उनके लिए हम लोग एक ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उन तक भी अपने जो एजुकेशन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा हम बच्चों को उन तक पहुंचा सके, ताकि वो भी बच्चे इस सुविधा का लाभ ले सके। ठीक है, जनरली यूट्यूब पे इंग्लिश मीडियम्स के फॉर्म में ही ज़्यादातर लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, हिंदी मीडियम में बहुत ही कम लेक्चर्स अवेलेबल है, भी तो पूरा का पूरा प्रॉपर अवेलेबल नहीं। लेकिन हमारा कोशिश रहेगा बच्चों कि जब तक ये कोरोना केसेस ख़त्म नहीं होता है, हम लोग अपनी टीम के तरफ से जितना हो सके उतना तक प्रयास करेंगे, जहां आपको लक्ष्य अकेडमी अररिया के तरफ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स का हिंदी मीडियम के फॉर्म में, हिंदी माध्यम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग घर बैठे इस सुविधा का लाभ ले सकें। तो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास मैथमेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि BSEB से रिलेटेड है, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से रिलेटेड है, जहाँ हम लोग देखेंगे कि मैथ्स में 12th क्लास में किन किन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है, और उन चैप्टर्स को अगर हम पढ़ लेते हैं तो उन चैप्टर्स हम कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में आज बच्चों जानकारी मिलेगा, और साथ साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि हमारा जो बिहार बोर्ड के अनुसार जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, उस क्वेश्चन पेपर का बनाने का हमारे अटेम्प्ट लेने का क्या तरीका होना चाहिए, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना क्वेश्चंस हमें बनाना है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और याद रखिएगा बच्चों कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ये मेरा चैनल का नाम है टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह, इस चैनल को आपको YouTube पे सर्च करना है, और सर्च करने के बाद उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आप देखिएगा, जैसे ही इस चैनल को आप खोलोगे तो वहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह, और नीचे आपको एक रेड कलर से लिखा हुआ नज़र आएगा सब्सक्राइब, आप उस सब्सक्राइब को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि जो भी मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स होंगे, जो भी चैनल से मेरे लेक्चर्स आप तक पहुंचेंगे, वो चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता हुआ रहेगा, और हमसे आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आएगा बच्चों, तो वीडियो को आप ज़रूर नीचे इस टाइप का थंब का सिंबल होगा, उस टाइप चीज़ को आप ज़रूर प्रेस करें, ये लाइक बटन है, और इस टाइप का होगा वो डिसलाइक है। अगर आपको पसंद आता है तो ये वाला सिंबल आप ज़रूर प्रेस करें। कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, तो आप ज़रूर बच्चों कमेंट करें मुझे, नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उस कमेंट सेक्शन में जा कर के आप अपने प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग आप तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे, तो आप कोशिश करिएगा कि मन लगा करके पढ़े, बिकॉज टाइम हमारा बहुत जा चुका है। हो सकता है बिहार बोर्ड या CBSE जो भी होगा नया एक सिलेबस, नया पैटर्न लेकर के आएगा, लेकिन जो भी पैटर्न आएगा उसमें एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, कि सिलेबस में कुछ ना कुछ कटौती हो सकता है, और अगर सिलेबस में कुछ कटौती हुआ, इसका मतलब आप ये भी समझ लेना कि आपके नॉलेज में भी कुछ ना कुछ कटौती होगा। जो चीज़ आप इस पूरे साल में सीख सकते थे, उस चीज़ को आप नहीं सीख पाओगे, इसीलिए कोशिश करना कि जहाँ से भी हम लोग पढ़ रहे हैं उन चीज़ों का पढ़ें, ये सोच करके ना रहें घर में कि अब जब बिहार बोर्ड या जब CBSE बोर्ड सिलेबस रिलीज़ करेगी उसमें जो चीज़ बोला जाएगा पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे, तब तक आराम से सोते हैं, वो काम आप बिल्कुल मत करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को है। इसीलिए बच्चों, जो भी चीज़ जहाँ भी आपको कहीं से भी आपको नॉलेज मिल रहा है, उस चीज़ को आप ज़रूर हासिल करें, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू जहाँ से भी हो सके आप इन चीज़ों को पढ़ें, लेकिन अपना समय बर्बाद ना करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग भी अपना समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, और बात करते हैं बच्चों हम लोग आज के लेक्चर का, जहाँ हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स में कुल कितने चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स से कितना कितना नंबर्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा वाइट बोर्ड पे, इस वाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कुल मिलाकर मैंने 13 नाम लिखे हैं। ठीक है,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ठीक है। ये बच्चों कुल 13 चैप्टर्स हैं जो हमें 12th क्लास मैथमेटिक्स में पढ़ना है। कुल मिला के कितने चैप्टर्स है बच्चों? 13 चैप्टर्स, ठीक है। और इन 13 चैप्टर्स के लिए हमारे पास दो बुक्स हैं जो कि 12th क्लास में अवेलेबल है आपको। एक होगा पार्ट वन, एक पार्ट टू, मतलब एक भाग वन और एक भाग दो। और इन दोनों भागों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कुल मिला करके 13 चैप्टर्स बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 11th क्लास में तो हम लोगों ने इससे ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ा था, लेकिन सिर्फ वहाँ एक ही बुक था, यहाँ क्या हो रहा? तो बच्चों यहाँ पे भले ही देखने में लग रहा है कि ये सिर्फ 13 चैप्टर्स है, बट ये सारे चैप्टर्स कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पे दो दो बुक्स जनरली बना दी गई हैं ताकि आपको शॉर्टकट में कोई चीज़ ना निपटाया जाए, चीज़ों को अच्छे से समझा करके निपटाया जाए, ठीक है। इसीलिए ध्यान देना कि ये मत सोचना कि वो दोनों बुक है तो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है। पढ़ना 13 ही चैप्टर है, लेकिन वो दोनों भागों में बांट करके डाल दिया गया है, ठीक है। और थोड़ा अच्छा चैप्टर है, इसीलिए इन चीज़ों को गौर करिएगा कि 11th अगर आप बर्बाद किए हो तो कहीं ना कहीं 12th को आप बर्बाद मत करना, बिकॉज 12th के सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं बच्चों यहाँ पे जो कहीं ना कहीं 11th से जुड़े हुए हैं। अगर 11th का बेसिक कुछ चीज़ें आपके क्लियर नहीं है तो हो सकता है 12th में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना हो, तो वो भी मैं बता दूंगा। जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो वहाँ भी हम बात कर लेंगे कि हमें किन किन चैप्टर्स का 11th का पढ़ना ज़रूरी होना चाहिए था, जिसका हमें यहाँ हो सकता है यूज़, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपको पहला चैप्टर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पहला चैप्टर लिखा गया है क्या बच्चों? रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। क्या लिखा गया है? रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसको हिंदी में बच्चों हम लोग बोलते हैं संबंध एवं फलन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग? संबंध एवं फलन। अगर आप 11th क्लास पढ़े होंगे तो बच्चों आपको याद होगा कि 11th क्लास में भी हम लोगों ने संबंध एवं फलन पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो स्पेशली है बच्चों, यहाँ संबंधों एवं फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 12th में हम लोग क्या पढ़ना है? संबंधों एवं फलनों के प्रकार के बारे में। और 11th में हमें क्या पढ़ना था? संबंध क्या है और फलन क्या है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों को 11वीं कक्षा में पढ़नी थी, लेकिन संबंधों एवं फलनों के प्रकार के बारे में हम लोगों को 12वीं कक्षा में पढ़नी, ठीक है, मतलब 12th क्लास में पढ़ना है। तो आप खुद समझदार हो बच्चों, जब आपको 11th क्लास में पढ़ाई अगर आप नहीं की और आपको संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप खुद समझ सकते हो कि संबंधों एवं फलनों के प्रकार 12th क्लास में हमें कैसे समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए संबंध एवं फलन के बारे में, जो कि आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ना था। तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़े हो तो घबराने वाली बात नहीं है। जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उसका 11th और क्लास में जो भी बेसिक चीज़ें थी उससे रिलेटेड, उन चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेंगे। तो 11th का चीज़ थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अब देख सकते हो बच्चों दूसरा चैप्टर क्या है यहाँ पे। दूसरा चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स मतलब होता है बाबू प्रतिलोम, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब त्रिकोणमितीय, और फंक्शंस का मतलब बच्चों क्या होता है? फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस चैप्टर को हम लोगों को 12th में पढ़ना है। जहाँ बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन एंड, ठीक है, और समीकरण, त्रिकोणमितीय फलन एवं समीकरण। वहाँ आप लोगों ने 11th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा होगा। अगर त्रिकोणमिति के बारे में, और बेसिकली छोटे छोटे चीज़ आप लोग कहीं ना कहीं 10वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे आप लोग, तो 10th 11th 12th ये कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे यहाँ बात त्रिकोणमिति का होगा, याद रखिएगा। अगर 10वीं कक्षा में और 11वीं कक्षा के त्रिकोणमिति को आप अगर नहीं पढ़े हो तो हो सकता है, हो क्या सकता है, आएगा ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको ज़रूर दिक्कत आएगा, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ तो क्लियर बता देता हूँ, त्रिकोणमिति अगर नहीं पढ़े हो सकता हर जगह आपको दिक्कत आए, क्योंकि त्रिकोणमिति का इस्तेमाल 12th क्लास में हर जगह कहीं ना कहीं है ही। इसीलिए याद रखिएगा कि इसको पढ़ने से पहले आपको 11th क्लास में जो मौजूद चैप्टर था त्रिकोणमितीय फलन, उन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
तो अगर आपको वो पता नहीं है तो 12th क्लास के पूरे मैथ्स के चैप्टर में ही आपको प्रॉब्लम आए। झूठ बोल करके मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ बच्चों, याद रखिएगा। मैं आपको बस खुशी दिलाने के लिए ये झूठ नहीं बोल सकता कि बच्चों आप नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। सच्चाई यही है, अगर 11th क्लास आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो 100% आपको 12th क्लास में प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर उस चीज़ों को अपने जो आप लोगों ने गलती किया है उस गलती को अगर ढकना है तो बच्चों सही समय है ये। इस समय आप जाइए, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर करके, मैं जो बता रहा हूँ चीज़ों पर आप ध्यान देना, इस संबंध एवं फलन के बारे में आप पढ़िए, फिर त्रिकोणमितीय फलन के बारे में 11th क्लास का चैप्टर उसको आप पढ़िए, ठीक है, तभी आपका कुछ होने वाला है, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम आप ज़रूर फेस करो। एक चीज़ और ध्यान देना, 11th क्लास में संबंध एवं फलन आपको तभी समझ में आएगा जब 11th क्लास का एक और चैप्टर है बच्चों, कौन सा, सेट थ्योरी, समुच्चय जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले समुच्चय पढ़ना है 11th क्लास का, ठीक है। फिर 11th क्लास का समुच्चय पढ़ने के बाद आपको 11th क्लास का पढ़ना है संबंध एवं फलन। जब ये दोनों चैप्टर आप पढ़ लेते हो, बेसिक आइडिया आपको हो जाता है, तो आपको समझ में आएगा संबंध एवं फलनों के प्रकार जो हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हम इस चैप्टर का बात करेंगे तो मैं तो खुद थोड़ा बहुत सेट थ्योरी के बारे में आपको बताऊँगा, थोड़ा बहुत मैं संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगा, तब मैं 12th क्लास के इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा जो है संबंधों एवं फलनों के प्रकार के बारे में, ठीक है। उसी तरह से त्रिकोणमिति के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा यहाँ पे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति के बारे में जो 11th क्लास का था वो भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा, लेकिन ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए वो होगा जब आप खुद जा करके पहले ही इन चीज़ों के बारे में पहले से पढ़ करके बैठे रहो, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चों मार्क्स पे, तो ये दोनों चैप्टर को मिला करके बच्चों आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आसपास, ठीक है, अब एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ मैं, लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके आते हैं, ठीक है। कहाँ, 12th क्लास में। आपका 12th क्लास मैथ्स का कुल 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 100 मार्क्स में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से ही मिला करके आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चों अपने तीसरे चैप्टर पे। हमारा तीसरा चैप्टर क्या है, मैट्रिसेस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, ठीक है, मैट्रिक्स, है ना, MATRIX, मैट्रिक्स, या उसी को आप पुल्लिंग बोल सकते हो, मैट्रिसेस, है ना, बहुत सारे मैट्रिसेस कहलाएंगे, बहुत सारे मैट्रिक्स हो जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, आव्यूह, ठीक है। और इस चैप्टर को पढ़ना है बच्चों तो ये एकदम बिल्कुल नया है, 11th से ज़्यादा रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति फलन इन चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है, तो उन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। चलिए तो आपको आव्यूह एक नया है बिल्कुल, अलजेब्रा का टॉपिक है ये, बीजगणित का टॉपिक है ये आव्यूह, ठीक है, तीसरा चैप्टर। और चौथा चैप्टर कौन है बच्चों, डिटर्मिनांट, मतलब सारणी। अगर आप आव्यूह अच्छे से समझ जाते हो तो सारणिक समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर आप आव्यूह नहीं पढ़ते हो तो सारणिक समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं पूरा प्रॉब्लम आ जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सारणिक कहीं ना कहीं आव्यूह से कुछ जुड़ा हुआ, इसीलिए पहले हम लोग आव्यूह पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, सारणिक पढ़ेंगे। तो ये दोनों चैप्टर जो है, ये दोनों चैप्टर बीजगणित के अंतर्गत आता है, मतलब अलजेब्रा के अंदर आता है, और इन दोनों चैप्टर्स मिला करके कुल 13 मार्क्स के क्वेश्चन आसपास पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 13 मार्क्स का क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आता है, और इन दोनों से आता है कुल 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चों अपने पाँचवें चैप्टर पे, जो हमारा पाँचवा चैप्टर क्या है, वेक्टर्स। अब आप लोगों ने 11th क्लास फिजिक्स जब आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ना, अपने फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल टूल्स आपको आपके टीचर ने पढ़ाया होगा फिजिक्स के, जहाँ आपको सबसे पहले वहाँ पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन चीज़ों को तो पढ़ाया ही गया होगा, साथ साथ आपको ये वेक्टर्स ज़रूर पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में। विदाउट वेक्टर्स आपको फिजिक्स समझना आपके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको वेक्टर्स, मतलब सदिश का जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वेक्टर्स तो आप लोगों ने फिजिक्स में 11th में ही पढ़ रखा था, लेकिन 12th क्लास में मैथ्स में भी बच्चों ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ्स में हम लोग फिर से वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सदिश, ठीक है। उसके बाद छठा चैप्टर आपका क्या है बच्चों, 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री।
तो इसके बारे में 11th क्लास में थोड़ा सा बेसिक चीज़ पढ़ना था हम लोगों को, ठीक है। तो मैं 11th क्लास का बेसिक्स के साथ आपको 12th क्लास में पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, जो क्या है हमारा 3D ज्योमेट्री, मतलब त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा क्या रहा है बच्चों, ये हमारा एक चैप्टर कौन सा है, वेक्टर्स, और ये हमारा दूसरा चैप्टर, छठा चैप्टर कौन सा है, 3D ज्योमेट्री। और इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके अगर बोला जाए तो कुल 18 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर भैया आपका वेक्टर क्लियर नहीं है तो 3D ज्योमेट्री आपको समझ में नहीं आएगा, ये निश्चित, ठीक है। अगर वेक्टर आपको कुछ नहीं पता है तो 3D ज्योमेट्री भी समझ लेना आपका पूरा का पूरा गोल हो जाएगा। तो इसीलिए वेक्टर बिना 3D ज्योमेट्री पढ़ना असंभव है, इसीलिए आपको पहले वेक्टर पढ़ाया जाएगा, फिर आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों क्या 3D ज्योमेट्री, मतलब त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है बच्चों, अगर ये आपको नहीं पता है, ठीक है, वेक्टर्स नहीं पता है, तो 3D ज्योमेट्री आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना, है ना। तो हम लोगों को देख सकते हो बच्चों इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो कितना ज़्यादा मार्क्स है, सिर्फ इन्हीं दोनों चैप्टर से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चों कौन सा हमारा 7th चैप्टर है, कौन सा, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामन। अब देखिए बच्चों इससे रिलेटेड आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इनइक्वेशन, मतलब रैखिक असमीकाएँ, 11th क्लास में एक चैप्टर था, ठीक है। और उस 11th क्लास के चैप्टर में रैखिक असमीकाएँ में आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहाँ आप लोगों ने ग्राफ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है, ग्राफ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। वही ग्राफ से रिलेटेड पूरा का पूरा ये चैप्टर है बच्चों, मतलब 11th क्लास का अगर रैखिक असमीकाएँ का ग्राफ अगर किन्हीं लोगों ने पढ़ा हुआ है या आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है तो 100% है बच्चों कि 12th क्लास का लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब रैखिक प्रोग्रामन, आपको समझने में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा और बहुत ही आसान है, सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ से बच्चों देख सकते हो 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है जो आपका कुल 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और बहुत आसान भी है। अब आते हैं बच्चों कहाँ, अब आते हैं हम अपने 8वें चैप्टर, जो कि हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रायिकता, ठीक है। अब इस प्रायिकता के बारे में बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, जब आप जूनियर क्लास में थे, बचपन छोटे छोटे क्लास में थे, तो वहाँ से ही आप 7, 8, 9, 10 सब क्लास में आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है। तो इस चैप्टर का बेसिक आइडिया तो आपको बचपन से ही हो गया होगा, लेकिन 11th क्लास में जो प्रायिकता है बच्चों, 11th क्लास का प्रायिकता आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। अगर 11th क्लास का प्रायिकता आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो 12th क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा बच्चों, मैं हर जगह 11th क्लास का नाम ले रहा हूँ, मतलब ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा कि 12th क्लास में अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको 11th क्लास का मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए। अगर 11th क्लास का मैथमेटिक्स अच्छे से आता है तो 12th क्लास में आपको कहीं प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नहीं पढ़े हो अगर तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पढ़ने के लिए आपको टीचर का भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपके लिए, और आपको भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि इन चीज़ों में आपको कहीं प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़े हो तो पढ़ा जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, इस चैप्टर से कुल मिला के बच्चों 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिख जाता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लमसम आसपास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। अब प्रायिकता के लिए बच्चों आपको 11th क्लास का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक चैप्टर था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, वो चैप्टर बच्चों आपको आना चाहिए, ठीक है, 11th क्लास का। फिर 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था बच्चों आप लोगों ने, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, उस चैप्टर का नॉलेज भी आपको होना ज़रूरी है 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी समझने के लिए, ठीक है। पहला कौन सा चैप्टर बोला मैंने बच्चों, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ये चैप्टर आपको आना चाहिए 11th क्लास का। दूसरा कौन सा चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको 12th का प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इस चैप्टर को बना सकते हो, ठीक है। और बेसिक तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको जूनियर क्लासेस से है ही, तो उन चीज़ों का नॉलेज तो होना ज़रूरी ही है, तो वो चीज़ भी आपको आना चाहिए। और साथ साथ 11th क्लास में भी प्रायिकता आपको पढ़ना था, वो भी चैप्टर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तीन चीज़ों का आप ध्यान देना,
इन चीज़ों को आप थोड़ा सा एक बार रिकॉल ज़रूर कर लेना जब ट्वेल्थ क्लास का मैथ्स पढ़ने जा रहे हो, तो एलेवेंथ क्लास का मैथ्स एक बार थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रिविज़न ज़रूर कर लेना उन चीज़ों को, इससे आपको प्रॉब्लम कहीं भी फेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों ये आठ चैप्टर्स जो हमारे थे, ठीक है ना, इन आठ चैप्टर्स को मैं एक तरफ रखा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुल पांच चैप्टर्स हैं, मैंने इसको एक तरफ रखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस पांच चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, कैलकुलस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कलन, कलन, ठीक है, कैलकुलस। अब यही वो कैलकुलस है जिसके बारे में आप लोगों के आपके टीचर्स या आपके जो भी भैया होंगे दीदी होंगे बोल बोल के डराते होंगे कि ट्वेल्थ में कैलकुलस पढ़ना है, बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कोर करता मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। जी हाँ, ये सच्चाई है बच्चों, ये कैलकुलस थोड़ा सा टफ तो है, ठीक है, मेहनत थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है सबसे ज़्यादा मार्क्स भी यही पूरा पाँच चैप्टर कंटेन करके रखता है। देख सकते हो आप 100 मार्क्स का पेपर में 40 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ ये पांच चैप्टर से क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो कलन है, कैलकुलस है, उसमें हमारे कुल पांच चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है बच्चा हमारा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आप लोगों ने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, अब वहाँ भी छोटा सा चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों आप लोगों ने क्या, डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, तो उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड है यहाँ पे बात होगा, मतलब कैलकुलस तो आप लोग कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों ने फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स में ही पढ़ लिया होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोल करके, और 11th क्लास में मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वगैरह के बारे में, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कहीं ना कहीं कैलकुलस का ही पार्ट है, तो उस कैलकुलस से ही रिलेटेड यहाँ पे उन चीज़ों का अगर आपको बेसिक आइडिया है तो आप ये जो नौवा चैप्टर हमारा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सांतत्य एवं अवकलनीयता, ये चैप्टर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ठीक है, फिर दूसरा हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 10वां चैप्टर। ठीक है, अगर आप सांतत्य एवं अवकलनीयता, जिसमें सिंपल सा बात मैं सिंपल तौर पर बोल रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन है हमारा, ये चैप्टर क्या है, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलन का अनुप्रयोग, इस अवकलन का, हिंदी में डिफरेंशिएशन को अवकलन बोलते हैं, और उसका इस रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ देखेंगे, कहाँ, अवकलन का अनुप्रयोग में, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है कौन सा चैप्टर बच्चों, इंटीग्रल्स, जो कि हमारा 11th नंबर चैप्टर है इंटीग्रल्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाकलन, तो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स बोलो, ठीक है, वही चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या होता है, समाकलन। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स चैप्टर में, तो वहाँ आप लोगों को सर ने पढ़ाया होगा इंटीग्रेशन वगैरह, तो इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन उसी के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझेंगे इंटीग्रल और इंटीग्रेशन के बीच क्या डिफरेंस, बस इतना समझ जाइएगा कि उसी के अंदर हम लोगों को पढ़ना है समाकलन वगैरह, तो उसमें, और उसके बाद समाकलन का क्या अनुप्रयोग है, ठीक है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या यूज़ है, तो उसका एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, और लास्ट हमारा एक चैप्टर है बच्चों कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण। ठीक है, ये पांच चैप्टर्स मिला करके बच्चों आपको कुल मिला करके 40 मार्क्स के अप्रॉक्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स इसीलिए बोला मैंने बच्चों, बिकॉज आपका जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बनता है वो कुछ अजीबो ढंग का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मतलब आसान भी बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान होता है, मार्किंग स्कीम थोड़ा सा अलग टाइप का है उसका, है ना, इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली हम लोग यहाँ बात करते हैं, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा मार्क्स का भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं कैलकुलस से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो एक हम लोग अनुमान लेकर चलते हैं कितना मार्क्स के अप्रॉक्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, है ना। तो याद रखिएगा ये पांच चैप्टर कहीं ना कहीं सब का बेस जो है बच्चों, तो इसका बेस है फलन। ठीक है ना, फलन ही इन चीज़ों का, इस कैलकुलस का पूरा का जो शुरुआत है वो कौन है बच्चों, फलन। अगर आपको फलन पता है, फलन के बारे में आपको आइडिया है, तो समझ लेना इस कैलकुलस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना बच्चों फलन अगर आपको पता नहीं है तो यही चीज़ को आप दिन जिंदगी भर रटते रहोगे कि कैलकुलस टफ होता है, टफ होता है, टफ होता है, कैलकुलस इसीलिए टफ होता है
बिकॉज आपको फलन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर आपका फलन क्लियर है तो आपका कैलकुलस भी क्लियर होगा, इस चीज़ का गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर आपका फलन क्लियर नहीं है अच्छे से, ये पक्का है कि आपको कैलकुलस में प्रॉब्लम आएगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 11th क्लास अच्छे से अगर जिन्होंने पढ़ा है, मेहनत करके जिन्होंने पढ़ा है, 12th क्लास में उनके अच्छे स्कोर ज़रूर आएंगे, ठीक है। और रहा बात बिहार बोर्ड का, अगर एग्ज़ाम का बात करूँ मैं तो बिहार बोर्ड थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या, बहुत आसान होता है। अगर आप हल्का सा भी उसमें मेहनत कर दोगे ना अच्छे से, तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, ठीक है ना। मतलब 95, 96, 97 ये तो जनरली बच्चे लेते ही आते हैं जो थोड़ा बहुत भी पढ़ने में एक्टिव होते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप पक्का 100 में 100 मार्क्स ला सकते हो अगर आप बिहार बोर्ड सेलेक्ट करके रखे हो, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में दोनों माध्यम होती है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम में। आपकी इच्छा, या तो आप हिंदी में पेपर राइट कर सकते हो वरना इंग्लिश में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पैटर्न बच्चों यही है, आप बोल सकते हो सिलेबस आपका यही है, मार्किंग स्कीम यही है। तो ये चीज़ आप क्या कर ले, पहले इस चीज़ को लिख लें, ठीक है, अपने कॉपी में इन चीज़ों को मेंशन कर ले, फिर हम बात करेंगे बच्चों कि क्वेश्चन पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने पार्ट्स में क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमारा तैयारी कैसा होना चाहिए, हमारा प्लानिंग कैसा होना चाहिए, हमारा स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप इन चीज़ को बच्चों पहले लिख लो। चलिए बच्चों समझते हैं अपने प्रश्न, जो हमारा क्वेश्चन पेपर में प्रश्न हमारे रहते हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास मैथमेटिक्स का, तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, तो हमें कैसे अटेम्प्ट लेना है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो आपका मैथ्स का पेपर, मैं स्पेशली मैथ्स का पेपर का बात कर रहा हूँ बाबू, गणित के पेपर का, मैं फिजिक्स के पेपर का या मैं केमिस्ट्री के पेपर का या बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी इन चीज़ों का बात नहीं कर रहा। मैं स्पेशली किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं तो स्पेशली बात कर रहा हूँ आपके लिए गणित के पेपर का, ठीक है, मैथ्स का, ध्यान दीजिएगा। जो मैथ्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके बिहार बोर्ड के बच्चों, आइदर वो इंग्लिश मीडियम वाला हो या हिंदी मीडियम वाला हो, दोनों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो पेपर का कुल समय होता है बाबू, तो पेपर का कुल समय होता है 3 घंटा 15 मिनट। मतलब आपको जो प्रश्न दिया जाता है बनाने के लिए, उसमें आपको कुल समय कितने दिए जाते हैं, 3 घंटा 15 मिनट। जहाँ जो आपका पेपर होता है बाबू, वो पेपर दो चरण में होता है। दो चरण मतलब एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आप लोग को पता है, आपको एक OMR सीट दिया जाता है जिसमें आपको फिल करना रहता है, तो एक चरण हो गया, ठीक है। और दूसरा चरण क्या है बाबू, लिखने वाला सब्जेक्टिव, जहाँ आपको एक कॉपी दिया जाएगा और वहाँ आपने अब आंसर्स को आपको लिखना है, ठीक है। तो दो चरण में, पहला चरण बाबू हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर तो एक ही मिलेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर तो एक ही मिलेगा। उसमें होगा सबसे पहले सेक्शन ए, ठीक है, कुल 3 सेक्शंस होंगे। एक होगा बच्चों कौन सा, सेक्शन ए, दूसरा कौन सा होगा, सेक्शन बी, और तीसरा कौन सा होगा, सेक्शन सी। मतलब भाग ए, भाग बी और भाग सी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपको OMR सीट दिया जाएगा बच्चों। तो OMR सीट जो आपको मिलेगा, वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर भरने के लिए मिलेगा, जैसे 10th क्लास में आप लोगों ने दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, वो जो आपको 50 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, याद रखिएगा मैथ्स में आपको कुल मिला करके ऑब्जेक्टिव के 60 प्रश्न दिए होंगे। कितने प्रश्न दिए होंगे, 60 प्रश्न दिए गए होंगे, और वो 60 का 60 प्रश्न हमें नहीं बनाना है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, हमें उस 60 में से कोई भी 50 है ना, उस 60 प्रश्न में से कोई भी 50 प्रश्न आपको बनाने हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आता है, उस 60 में से कोई भी 50 प्रश्न आपको बनाने हैं बच्चों। और उस 50 प्रश्नों का हल आपको कहाँ करना है बाबू, तो वो OMR सीट में, जो आपको OMR सीट भरने के लिए दिया जाता होगा, तो आप वहाँ उस OMR सीट को भर दें। लेकिन किन्हीं 50 प्रश्नों को, 60 का 60 भरने का ज़रूरत नहीं है, उससे आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हल करना है 60 में से, ठीक है। अब जैसे ही आप 50 क्वेश्चन हल कर लेते हो बाबू, तो 50 का 50 क्वेश्चन बनाना, आए भी नहीं भी आए फिर भी बनाना, छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है ना।
आपको क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोड़ना मत। नहीं आए तो फिर भी कोई चीज़ अपने हिसाब से अंदाजा से अपने आंसर को ज़रूर मार देना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग वहाँ पे आपके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं होता है। ठीक है, देखिए जैसे ही 50 क्वेश्चन आपने हल किया तो 50 क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो आपको कुल मिला करके हर एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलता है, मतलब आपको कुल मिला करके 50 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो 60 में से कोई 50 क्वेश्चन बनाना है, 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आपको कुल मिला के 50 मार्क्स मिलेंगे। अब जितना गलत होगा उतना मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए आपका समय सीमा दिया जाएगा, फिर उसके बाद उस पेपर को छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का समय सीमा कितना है बाबू, 1 घंटा 10 मिनट, मतलब कुल एग्जाम 3 घंटा 15 मिनट का है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव का एग्जाम देने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट। 10 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए और ये 50 क्वेश्चन हल करने के लिए आपके पास कितना समय होगा बच्चों, तो आपके पास कुल मिला करके 1 घंटा समय होगा। ठीक है, अब इस 1 घंटा में आपको 50 क्वेश्चन हल करना है, 60 में से कोई भी 50, मतलब 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा समय एक क्वेश्चन पे आपको मात्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना बच्चों, है ना। चलिए उसके बाद आते हैं हम, अब ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने, मतलब क्वेश्चन पेपर तो वही रहेगा, ये आपने ऑब्जेक्टिव OMR शीट जैसे ही आप लोगों ने दिया 1 घंटा 10 मिनट ख़त्म होने के बाद, ठीक है, वैसे ही आपको अब क्वेश्चन पेपर तो उसी में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, जहां आपका खंड बी और खंड सी होगा, मतलब भाग बी और भाग सी दिखाई देगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भाग बी जो आपका है और भाग सी जो है, ठीक है, इसको हल करने के बाद आपको कॉपी दिया जाएगा ताकि इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लिखो, है ना। अब इसका आंसर लिखने के लिए आपको कॉपी दिया जाएगा, तो वहाँ आपको आंसर लिखना है कितना समय बच्चा, तो वहाँ लिखना है 2 घंटा 5 मिनट में। ठीक है, जहाँ आपको 5 मिनट इन दोनों का क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है और 2 घंटा में आपको इन दोनों भाग का सारे हल करके बोले जाते हैं कॉपी में लिखने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम बात करते हैं भाग बी का, मतलब सेक्शन बी का। ठीक है, यहाँ लिखना है हमें आंसर, तो यहाँ सेक्शन बी में बच्चों कुल मिलाकर के 27 प्रश्न दिए गए होंगे गणित में। कितने प्रश्न दिए होंगे, 27 प्रश्न दिए होंगे, और उस 27 प्रश्न में से आपको कोई भी 15, ठीक है, कोई भी मात्र 15 क्वेश्चन आपको हल करने, 27 का 27 नहीं हल करना है, 27 में से कोई भी 15 जो आपको आता हो उस 15 क्वेश्चन को आपको हल करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप लोगों ने 15 क्वेश्चन हल कर लिया, अब उससे ज़्यादा बना दोगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा बच्चों, 15 क्वेश्चन का ही आपको आंसर मिलेगा, मतलब नंबर मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आप सोचोगे कि सर हम 17-18 क्वेश्चन बना देते हैं, अब भैया शुरुआत से का आपका 15 क्वेश्चन चेक होगा। ठीक है, जैसे ही शुरुआत से 15 क्वेश्चन चेक हुआ उसी में जो सही होगा गलत होगा उसी के हिसाब से होगा, बाकी क्वेश्चंस को आपको छोड़ दिया जाएगा, वो क्वेश्चन चेक नहीं होंगे। जो शुरुआत से 15 क्वेश्चंस होंगे उन्हीं क्वेश्चंस को आपका क्वेश्चन जो आप लोगों ने हल किया होगा उसको चेक किया गया होगा। इसीलिए याद रखिएगा 27 प्रश्न में से कोई भी 15 क्वेश्चन सिर्फ बनाना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन जैसे ही आप बना लेते हो भैया, तो यहाँ पे सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन का नंबर कितना होता है, 2 नंबर, मतलब 15 क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो वहाँ से 15 क्वेश्चन आपने जैसे ही बनाया तो 15 × 2 मतलब 30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर सही सही 15 क्वेश्चन आपने बनाया तो आपको कुल मिला करके 30 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो 50 मार्क्स आपको यहाँ मिलेगा और 30 मार्क्स बच्चों कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, तो कुल मिला करके 80 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं हम लोग खंड सी पे, ठीक है, मतलब सेक्शन सी पे। यहाँ पे बच्चों आपको कुल 8 प्रश्न दिए गए होंगे। ठीक है, और इन 8 प्रश्नों में से या तो आपको कोई 4 क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेगा, और नहीं तो उन 8ों प्रश्न का, ठीक है ना, वहाँ पे आपको वैकल्पिक के रूप में होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन होगा, 1 और, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 वो क्वेश्चन, फिर और में कोई क्वेश्चन, तो वैकल्पिक होगा, वैकल्पिक में से कोई एक चीज़ आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, मतलब होंगे 8 प्रश्न, बनाना तो 4 ही है। ठीक है, या तो वैकल्पिक रूप में होगा और नहीं तो 8 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कोई भी 4 बना लो। ठीक है, तो 2 तरीके से हो सकता है, कैसे, या तो प्रत्येक प्रश्न का एक विकल्प होगा, नहीं तो कोई 4 प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा, तो कोई 4 प्रश्न हल करना पड़ेगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, तो उस 8 में से जो 4 आपको अच्छा लगे, अब डिपेंड करता है वो कैसे पूछा है। ठीक है, या तो वो वैकल्पिक रूप में दिया है या तो वो
कोई चार बनाने के लिए दिया, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर में कैसे बोला है, ठीक है। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, तो याद रखिएगा 8 में से कोई चार क्वेश्चन अगर बनाने हैं तो चार क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होता है 5 नंबर, तो चारों क्वेश्चन का कितना हो गया 20 नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों 50 + 30 = 80, 80 + 20 कितना 100। तो ये कुल मिलाकर के तीनों सेक्शन से आपका 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर आता है बच्चों, बहुत आसान है, सिंपल है। आप खुद सोच सकते हो 60 में से कोई 50 बनाना है, 27 में से कोई 15 बनाना है, और 8 में से कोई 4 बनाना है या वैकल्पिक होगा कोई 4। इस तरह से इससे आसान एग्ज़ाम और क्या हो सकता है, आप खुद सोच लीजिए। CBSE में इससे कहीं ना कहीं बहुत टफ होता है क्वेश्चन, और उसका पैटर्न भी थोड़ा सा टफ होता है, बट बिहार बोर्ड में आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है जिसके बेसिस पे आप आसानी से पास कर सकते हो और अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो। मतलब जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं तो उनके लिए 100 मार्क्स लाना पक्का है, एकदम आसानी से ला सकते हो, बहुत ही आसान है 100 मार्क्स लाना बच्चों। इसलिए याद रखिएगा, घबराना मत आप, जितना हो सके मेहनत करो, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है अगर आपका NCERT A to Z अच्छे से बनाए हुए हो आप, और साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ठीक है, आपको जनरली टारगेट, ठीक है, या हो सकता है आपका गोल्डन, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो इन चीज़ों का क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक, उनका आप लीजिए, बनाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक या नेट पे भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सबका क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, या क्वेश्चन बैंक जो आता है बच्चों मार्केट से अवेलेबल कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आते हैं, डिफरेंट पब्लिकेशंस के आते हैं, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिएगा, ठीक है। उन चीज़ों का बनाइए और इस तरह से इस फॉर्मेट में पढ़िए, डेफिनेटली बता रहा हूँ बच्चों आपका मार्क्स अच्छा आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो हमें इन्हीं के बेसिस पे तैयारी करना है, इन्हीं के बेसिस पे हमें काम करना है, ठीक है। तो ये आज का जो लेक्चर मैंने बच्चों बताया है, ये वीडियो स्पेशली मैंने बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जहाँ आपको ये बता सकूँ कि हमारा पढ़ाई कैसे होना चाहिए, हमारा प्लानिंग कैसे होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए बच्चों, 13 चैप्टर हैं, ज़रूरी नहीं कि हम शुरुआत से ही पढ़ें। मैं अगर अपना पर्सनली बात कर रहा हूँ तो मैं स्पेशली आपको सबसे पहले स्टार्ट करूँगा पढ़ाना मैट्रिसेस से, मतलब आव्यूह से, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो पहला वीडियो था बच्चों आपके लिए जहाँ मैंने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बच्चों, तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आव्यूह के बारे में, मतलब मैट्रिसेस के बारे में, जो कि आपका 12th क्लास का, ठीक है, भाग, मतलब जो आपका पहला बुक है उस बुक का 3rd चैप्टर है आपका, ठीक है ना। तो वो 3rd चैप्टर हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे, पहले आव्यूह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सारणिक पढ़ेंगे, इन दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आव्यूह पढ़ेंगे पहले, फिर सारणिक पढ़ेंगे, तो हमारा तरीका पढ़ने का कुछ अलग होगा। बहुत टीचर्स पहले कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, तो हर एक टीचर का अपना अपना तरीका होता है बच्चों पढ़ाने का, ठीक है। तो मैं स्पेशली मैट्रिसेस से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे, ताकि आपको एक टाइम भी मिल सके, जो 11th का चीज़ आप लोगों ने छोड़ रखा है, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा या रिविज़न नहीं हुआ है, तो इन्हीं बीच आप रिविज़न कर लो, क्योंकि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ने में हमें कुछ समय लगेगा, तो उसी बीच आप त्रिकोणमिति हो गया, समुच्चय हो गया, संबंध एवं फलन हो गया, ठीक है, रैखिक असमिकाएँ हो गए, इन 4 चैप्टर्स को कम से कम आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम आगे फेस ना करना पड़े, है ना। कौन कौन से चैप्टर, समुच्चय, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, रैखिक असमिकाएँ, संबंध एवं फलन, ये चीज़ आप 11th क्लास का पहले आप पढ़ लें, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं बताते रहूँगा किन किन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, तो पहले ये बेसिक चैप्टर्स को आप ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको शुरुआत के लेक्चर्स में कहीं प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, जिन तक कहीं ना कहीं ये लेक्चर्स नहीं अवेलेबल है, उनको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, अगर आइडिया नहीं है, तो मेरे लेक्चर्स के माध्यम से उन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और साथ साथ जो हम लोगों ने हमारे लक्ष्य अकेडमी अररिया के तरफ से जो हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों तक पढ़ाई को पहुँचाने का, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उन बच्चों तक पहुंच जाए, ठीक है, तो आपका भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो कृपया करके जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर करें, ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।
तो मेरा चैनल नेम क्या है बच्चों, टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह। ये लिंक आपको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अगर आप पे मैं चैनल का लिंक भेज दूंगा तो आप डायरेक्टली वहां से जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके ट्वेल्थ क्लास से रिलेटेड वीडियोस मैं एक प्लेलिस्ट में अलग से बना करके रख दूंगा। यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट होता है, जा करके देखिएगा आप, उस प्लेलिस्ट में आपको हिंदी मीडियम का अलग से चैप्टर मिल जाएगा। जनरली हम लोग ट्वेल्थ एलेवेंथ नाइन्थ टेंथ, जहाँ ट्वेल्थ और एलेवेंथ का हम लोग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाई करवाते हैं, और टेंथ और नाइन्थ का हम लोग CBSE में कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा का पूरा कोचिंग में पढ़ाई होता है हमारे कोचिंग में, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ट्वेल्थ और एलेवेंथ का जनरली हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाते हैं, जहाँ CBSE और स्टेट बोर्ड दोनों के बच्चे हैं, और टेंथ और नाइन्थ का सिर्फ और सिर्फ हम लोग CBSE में क्लासेस देते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। और सेवन्थ एट्थ क्लास भी हमारे पास है, जहाँ हम लोग सेवन्थ एट्थ क्लास के बच्चों को भी, जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं, उनको हम लोग पहले से ही प्रिपेयर करते हैं फॉर IIT एंड मेडिकल, ठीक है। तो जनरली हम लोगों का इंस्टीट्यूट जो है अररिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ आपको पूरा का पूरा एक छत के नीचे ही सेवन एट नाइन टेंथ क्लासेस का CBSE क्लासेस का पूरा एक जगह मिल जाएगा, जहां बच्चों को आप बोर्ड क्लास प्लस फाउंडेशन लेवल के एजुकेशन को दिलवा सकते हैं। और एलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए भी एक सुनहरा मौका है, जो बोर्ड के लिए भी तैयारी कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम, और साथ साथ मेडिकल और IIT का प्रिपरेशन हमारे द्वारा करवाया जाता है उस जगह पर। तो आप वेलकम है आपका, आप ज़रूर आइए हमारे इंस्टीट्यूट में, जितना हो सके हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि आपके लिए मेहनत करें और आप रिज़ल्ट अच्छा कर सको। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।